मेरा पूरा नाम जनक पलटा मगिलिगन है। पलटा परिवार की बेटी हूँ चंडीगढ़ से, और मगिलिगन परिवार की बहू हूँ। और मैं अब 73 साल की हूँ, सनावडिया गांव में रहती हूँ। और मैं किसी भी राजनीतिक दल से या सरकार से संबंधित नहीं हूँ। मैं केवल पेड़ पौधे और इंसानों से प्यार करती हूँ, पक्षियों से, गाय से, सबसे। मुझे ये ख्याल आया जून के 8 तारीख को कि इस साल पौधे लगाने नहीं जा पाएंगे एक साथ लोगों के साथ, क्योंकि कोरोना है। साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाना, वो सब। हर साल पौधे लगाते रहे हम लोग। इस बार मैंने कहा, हमारा एक बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं शहर में, इंदौर में, तो लोगों को कहा कि ऐसा करें कि पौधे जिसको गिफ्ट देना है वो गिफ्ट देंगे, और मैं वो पौधे गांव-गांव में लेके जाऊंगी। और पौधे उनके गिफ्ट हैं, उन्होंने बुलवाए हैं, गाड़ी वो भिजवाते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग टीका करवाने नहीं आ रहे थे, बहुत डरते थे। तो आज से 2.5 महीने पहले 10 जून से हमने ये शुरू किया, और आज तक बिना नागा हर किसी जगह पर वैक्सीनेशन जहाँ होता है वहाँ ये पौधे गिफ्ट देते हैं। देने का मतलब ये है, बांट नहीं रहे, कि जो लोग लगाना चाहते हैं ठीक उन लोगों को ये पौधे मिले और वो लोग लगाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं। आपको पता है कोरोना का सबसे बड़ा रोना दे गया उन लोगों को जिनके लोग चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल रहा था अस्पताल में। आज मैं शिवनी गांव में आई थी, और हम लोग 18,000 से ज़्यादा पौधे अब तक दे चुके हैं 51 वैक्सीनेशन सेंटर पर। और ये पौधे जो हैं, एक साइंटिक इको फाउंडेशन है, जैविक सेतु है, वो मंगवा के देते हैं ये पौधे। और मैं केवल आपको गिफ्ट देने आई हूँ। ये हमारे पप्पू भी है, हमारा राजेंद्र भी है, ये शुभम है, ये हम सारे। केवल मेरा जीवन इसी काम के लिए ईश्वर ने मुझे दिया। मेरा घर सनावडिया में है, सनावडिया में रहती हूँ, पर रोज़ यही काम करने में मेरा जीवन परमात्मा के लिए है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम जनक है, और मुझे पता चला कि शिवनी के पास ये गांव जनकपुर है। हम पंचायत में गए, बोला वैक्सीनेशन सेंटर जनकपुर में है। मेरे को सबसे बड़ी बात लगी कि आज मैं अपने गांव में हूँ, जनकपुर में, है ना। तो आप जनकपुर वालों को मैं बहुत प्यार से चाहती हूँ। आप पहले महिलाएं जिसको भी पौधे अपने गांव, अपने घर के लिए लगाने के लिए ले जाने हैं, वो उठाएं, पौधे लगाएं। एक बेनती है, प्यार से थैलियों के नीचे हाथ रखें, और ऐसे पकड़ के छोड़े नहीं पौधे। आप एक एक करके उठाते जाएं, जितने ले जाने ले जाइए। कोई कानून नहीं है कि कितने पौधे आपको, जितने लगा सकेंगे। आज ईश्वर की कृपा है, अब समझो कि राखी का त्योहार है, तो पौधे लगाएं, रक्षा करें, ले जाइए। किसको ले रहे हैं, लेना शुरू कर दीजिए इधर से। ले जाइए, जितने ले रहे हैं लेके एक साइड में रख दीजिए आप। इधर से तीन जना का है, छह लोग सगड़ा, हाँ तीन जना का है। थोड़ी बातें नहीं करेंगे, तुम जब करते रहेंगे वो धीरे से उठाइए, सब प्यार से, धीरे से प्यार से उठाइए। ये ट्रॉली में कितने पौधे ले जा रहे हो? ये तीन जने के सबके हैं। अच्छा, तीन जने के, तीन खेत पे जाएंगे। हाँ, 12 भी कम जाएगा, क्योंकि हमको यही चिंता है कि पौधे खराब रहेंगे। हाँ, एक भी पौधा बेकार नहीं जाना चाहिए। फोटो खींच लो ना, सुरक्षा करें ना। बोलिए, बोलिए। और आपके घर देने आ रहे हैं हम लोग,
ये पौधे वन खत्म हो गए। ये सोता ही हमने वाटी लिया दूध मेड़ी का हां चल पप्पू रख के लिया हां कहीं से रखा ये भैया हम फिर आ जाएंगे हमें पता चल गया हम पौधे लगेंगे ये तो खाली एक बार पता पहली बार चल के आ गए और मुझे पता चला ये मेरे नाम पे